वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि हम जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ हमने बेसिक को भी डिफाइन किया कि वो कितने प्रकार का होता है, और साथ में हमने फेलेशन को डिफाइन किया। और इसके ही लेक्चर को डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और लूज असेंबलेज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डिस्कस कर चुके थे हम, और आज हम डिस्कस करेंगे लैमिनेशन काइंड 1, लैमिनेशन काइंड 2, फ्यूजन, डिसेक्शन, डेनुडेशन एंड फ्यूजन, डिस्टिलेशन, एग्लोमरेशन एंड सब्जेक्ट बेंडर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैमिनेशन क्या होता है। लैमिनेशन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लैमिनेशन क्या होता है। तो जो लैमिनेशन वर्ड है वो लैमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है, उससे फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब है डिफ्रेंशिएट, सेग्रीगेट या सेपरेट या सेट अपार्ट, यानी कि अलग करना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो एक सैंडविच होता है तो उसमें हम एक हमारी जो एक चीज़ की लेयर होती है, बटर की लेयर होती है, उसके थ्रू हम दो जो रिमेनिंग जो हमारी ब्रेड के लेयर्स होते हैं उनको सेग्रीगेट कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। तो वो हमारा जो बीच में जो बटर है वो हमारा बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है, और जो दो ऊपर की लेयर होती है वो आइसोलेट कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लैमिनेशन के द्वारा एक नए सब्जेक्ट को, एक नए कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रंगनाथन सर ने किस तरह से डिफाइन किया है, तो व्हेन द बेसिक लेयर इज़ अ बेसिक सब्जेक्ट एंड द अदर लेयर्स आर आइसोलेट आइडियाज, और इसके द्वारा हम एक कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। तो रंगनाथन सर ने यही बात की है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सैंडविच में एक बेसिक लेयर होती है चीज़ या पनीर की, तो वो उस तरह से हम बेस सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, और जो ऊपर और की नीचे की जो लेयर होती है वो हमारे आइसोलेट आइडियाज़ होते हैं, और उसके द्वारा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर्म होता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, लैमिनेशन टाइप 1 एंड लैमिनेशन टाइप 2। तो इसे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लैमिनेशन टाइप 1 की बात की जा रही है, जिसमें कि एक से अधिक आइसोलेट होते हैं जो कि एक बेसिक सब्जेक्ट के आसपास उसे लैमिनेट करते हैं, या फिर उसके मतलब एक उसको एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। और इसे हम अगर समझने का प्रयास करेंगे कि इजी किस तरह समझ सकते हैं, तो एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, और इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट है वो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, और इसको लैमिनेट करते हैं हमारे दो आइसोलेट आइडियाज, जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और हमारा मैनुस्क्रिप्ट। तो इसके द्वारा हमारा एक कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर्म होता है। इसी प्रकार से हमारा इमोशंस इन चिल्ड्रन, तो इसमें हमारी साइकोलॉजी हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, और इमोशन इन चिल्ड्रन हमारा एक आइसोलेट आइडिया या आइसोलेट फेसेट है। तो इस तरह हम लैमिनेशन के द्वारा एक कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं लैमिनेशन टाइप 2 की। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा, यानी कि दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, जो बेस सब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं या फिर लैमिनेटेड होते हैं, और जिसके द्वारा एक हमारा मतलब कंपाउंड सब्जेक्ट फॉर्म होता है। और जो ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं इसमें से इन्हें कुछ सब्जेक्ट को हम होस्ट मेन क्लासेस कहते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है आयुर्वेदिक सिस्टम इन मेडिसिन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होस्ट मेन क्लास मेडिसिन है, और स्पेशल कंपोनेंट जो है या फिर स्पेशल कैटेगरीज है, जैसे आयुर्वेदा होता है, नेचुरोपैथी होती है, एलोपैथी होती, तो ये हमारे सिस्टम है, इसे ये सिस्टम है, और एक तरह से हम कहते हैं नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट हैं, और ये कि मेन बेसिक सब्जेक्ट के साथ लैमिनेटेड होके एक कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। और अगर हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो लैमिनेशन टाइप 2 में क्या अंतर है, तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये अंतर होता है, और इसमें आपस में जुड़कर एक नया सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट, तो यहाँ पर जैसे कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट में बात की गई है, जो कंपोनेंट होते हैं बेसिक सब्जेक्ट के, जो कि दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़कर एक कंपाउंड
सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं तो जो दो या दो से तीन जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनमें से एक बेसिक सब्जेक्ट होता है, एक होस्ट क्लास होती है, और दूसरा जो होता है नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट होता है, या फिर स्पेशल सिस्टम हो सकते हैं या फिर कैनोनिकल क्लासेस हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा क्वांटम थ्योरी एंड हीट, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, हमारी फिजिक्स या होस्ट मेन क्लासेस है, और साथ में जो इसमें हमारी कैनोनिकल क्लासेस या बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्वांटम थ्योरी भी एक बेसिक सब्जेक्ट है और साथ ही साथ हमारा हीट भी बेसिक सब्जेक्ट है, और इन दोनों का एलिमिनेशन के थ्रू हमने एक कंपाउंड सब्जेक्ट को फॉर्म किया है, तो एलिमिनेशन टाइप 2 है। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट टाइप्स की, कि फिजन के द्वारा हम कैसे नए नए सब्जेक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब बेसिकली क्या होता है, विखंडन करना। जैसे हम लोग हायरार्की ऑर्डर में विखंडन करते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा नई नई चीज़ें रिप्रोडक्ट होती हैं, नई नई चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो उसी प्रकार से फिजन के द्वारा भी हम लोग मतलब उसको सेग्रीगेट करके, उसको तोड़ के एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट मीन्स डिवीजन इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, द बेसिक सेगमेंट स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंटेस, यानी कि जो ये बेसिक सब्जेक्ट होता है वो टूट के नए सब्जेक्ट में नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति करता है, और इट इज़ अ सक्सेसिव कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग ऑफ द सब्जेक्ट इंटू स्मॉलर फ्रेगमेंटेशन एज इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। जैसे कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में आपने देखा होगा नाभिकीय विखंडन में कि एक सब्जेक्ट मेन होता है और वो हम उसे दो अलग अलग सब्जेक्ट दो मतलब भागों में टूटकर एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति करता है या नए एलिमेंट की उत्पत्ति करता है। इसी प्रकार से इसमें भी एक बेसिक सब्जेक्ट टूट कर या विखंडित होकर दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सब्जेक्टों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे नेचुरल साइंस है, यूजफुल आर्ट है, ह्यूमैनिटीज़ है, तो इसे भी हम ब्रेक करके नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति कर सकते हैं, या नए सब्जेक्ट इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं, इसको तोड़ के ब्रेक करके, ठीक है। और ये भी जो विखंडन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, डिसेक्शन और डेनोडेशन। तो मतलब डिसेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि विखंडन करना, और डेनोडेशन का मतलब क्या होता है कि एक लेयर बाय लेयर हम उसे बेयर कर रहे हैं, या फिर हम उसे उसके कॉन्सेप्ट तक जा रहे हैं, या फिर मेन बेसिक सब्जेक्ट तक जा रहे हैं, तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है डिसेक्शन की, जैसे कि हम लोग डिवाइड करते हैं और उसके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद हमारे नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, जैसे सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस को हम ब्रेक करते तो हमारे ह्यूमैनिटीज सोशियोलॉजीज आता है, और अगर हम बात करें हम इसमें अगर हम बॉटनी को या फिर हम हमारा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को भी अगर हम विखंडित करते हैं तो हमारा जॉलजी आएगा, बॉटनी आएगा, और फर्दर अगर हम बॉटनी को भी विखंडित करते हैं तो हमारा उसमें मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट हो गए और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गए, तो इस तरह से हम एक चेन में, एक ऑर्डर में मेन बेसिक सब्जेक्ट को तोड़ते जाते हैं, और वो बेसिक सब्जेक्ट के जो मतलब डिस्क्रिप्शन पार्ट्स होते हैं उन्हें भी हायरार्किकल ऑर्डर में भी तोड़ के एक नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल सोशियोलॉजी में ब्रेक हुआ। फर्दर अगर हम बात करें कि हमारा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी अगर हम बात करें बॉटनी और जॉलॉजी में ब्रेक होगा, फिर बॉटनी को भी हम अगर ब्रेक करना चाहें तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट में विखंडित करके नए सब्जेक्ट की उत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेनुडेशन। तो डेनुडेशन जैसे कि यहाँ बात की गई, इसका मतलब क्या होता है, तो डेन्यूड यानी कि बेयर करना, या फिर हम उसे लेयर बाय लेयर ओपन करते हैं और उसके मेन सब्जेक्ट तक पहुँचते हैं, या फिर हमें कहते हैं कि इंटेंशन तक पहुँचते हैं, नॉट एक्सटेंशन। तो यहाँ पर सघनता की बात की जाती है, सॉरी गहनता की बात की जाती है, ना कि विस्तार की बात की जाती है। और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरी है यहाँ पर, तो ये लाइब्रेरी है, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, फिर कॉलेज लाइब्रेरी, फिर स्कूल लाइब्रेरी, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे ओपन करते जाते हैं हम, और एकेडमिक लाइब्रेरी तक पहुँच जाते हैं। प्रकार से अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी बहुत सारे आपके लेयर बाय लेयर हम अगर बात करें तो हम उसकी गहनता की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका साउंड होता है, हीट होता है, रेडिएशन होता है, तो वो हम वन स्टेप बाय स्टेप उसकी गहनता की तरफ जाते हैं। तो ये हमारा डेनुडेशन का एक एग्जाम्पल है, और आई होप इसको थ्रू आपको क्लियर होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूज़न के थ्रू हम कैसे विषय निर्माण की विधियों मतलब नए विषय
का निर्माण करते हैं। और फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली इन दिस मोड टू और मोर मेन सब्जेक्ट आर फ्यूज इन सच वे दैट ईच ऑफ देम लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को खोकर एक नया सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल म्यूजिक में भी हो रहा है कि हम दो अलग अलग तरह के फॉर्म्स का गानों का फ्यूजन कर एक नया सब्जेक्ट, नया एक गाने का फॉर्म करते हैं ना, एक मतलब एक गाने का एक उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार से फ्यूजन में भी क्या होता है, हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके एक नए सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, और जिससे कि उनकी जो पहचान होती है इंडिविजुअली वो कहीं ना कहीं खो जाती है, और एक वो नए सब्जेक्ट के थ्रू सब्जेक्ट की तरह ही देखे जाते हैं और उनकी एक अलग जो पहचान होती है वो खो जाती है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई बायोफिजिक्स, तो बायोलॉजी और फिजिक्स के को मिलाकर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और दोनों का फ्यूज़न करने के बाद हमने इसे बायोफिजिक्स नाम दिया। और यहाँ पर हम इसे बायोलॉजी भी नहीं कह सकते और फिजिक्स भी नहीं कह सकते, एक नया सब्जेक्ट है ये बायोफिजिक्स। इसी प्रकार से यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी सेम है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिलाकर एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को फ्यूजन के थ्रू बनाया गया है। इसी प्रकार से एस्ट्रोफिजिक्स है आपका, तो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को मिलाकर एक हमने फ्यूजन क्रिएट किया और एक हमारा फ्यूज सब्जेक्ट निकल के आया एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये फ्यूजन के द्वारा यानी कि हम दो अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के एक नए सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, और उनकी और जो नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो एक अलग होता है, दोनों का ही मिक्स होता है बट वो एक अलग होता है, और उसे हम लोग फ्यूजन फ्यूज सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूज़न के बारे में था। और अब हम बात करते कर लेते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, आसवन करना या फिर हम आस्वित करना। तो इसमें क्या होता है, हम प्योर सब्जेक्ट का खोज करते हैं या तलाश करते हैं, प्योर सब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, इन दिस मोड अ प्योर डिसिप्लिन इज इवॉल्व एज अ मेन सब्जेक्ट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस इन इट्स एक्सपीरियंस इन एक्शन इन डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स गोइंग विद डिफरेंट होस्ट बेसिक सब्जेक्ट और इट्स गिव्स राइज टू प्राइमरी बेसिक प्राइमरी सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं बट हम उसको मतलब एक तरह से हम कहें अपने एक्सपीरियंस या अपने ऑब्जर्वेशन या उसके द्वारा हम उसमें बेसिक सब्जेक्ट या जो हमारा प्योर सब्जेक्ट होता है उसे हमें फाइंड आउट करके निकालना होता है, वो हमारा डिस्टिलेशन के थ्रू हम उस सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है वो डिस्टिलेशन कहलाता है। जैसे कि रिसर्च मेथोलॉजी, तो रिसर्च मेथोलॉजी हमारा एक प्योर सब्जेक्ट है और ये हमारा हर जगह यूज़ होता है बेसिकली देखा जाए, चाहे वो हमारा साइंस हो गया, हमारा मैथमेटिक्स हो गया, ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, कोई भी रिसर्च हम करते हैं या तो हमें थीसिस करते हैं या हमारा डिजिटल वर्क होता है, सर्वे वर्क होता है, तो हम रिसर्च मेथोलॉजी का यूज़ करते हैं। यूज़ सब जगह हो रहा है लेकिन उसकी जो प्योर चीज़ है वो क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो वो एक प्रकार से रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा एक प्योर सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से फॉरेस्ट्री भी है, इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी भी हमारा मतलब एक प्योर सब्जेक्ट है, और इसमें हम लोग इसे हम बायोलॉजी में भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम प्योर सब्जेक्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं और प्योर सब्जेक्ट को किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं, एक प्रोसेस जो है वो हमारा डिस्टिलेशन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम परफ्यूम बनाते हैं या पानी मतलब परफ्यूम बनाते हैं, तो हम एक आस्वित करके बनाते हैं, प्योर फॉर्म निकल के जो आता है वो हमारा एक मतलब जो प्योर फॉर्म निकल के आता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, या हम कहते हैं वो शुद्ध स्वरूप होता है, डिजिटल रूप होता है वो सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से हम डिजिटल स्वरूप को कैसे फाइंड आउट करें, इस प्रोसेस के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके आगे के टाइप्स के बारे में, जैसे कि एग्लोमरेशन या फिर हम इसे पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। एग्लोमेशन मीन्स कलेक्ट करना होता है एक तरह से, और मेनी अ टाइप आउट ऑफ नेसेसिटी सम बेसिक सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटेड इन रैंक हैव अपेयर्ड एरेड टुगेदर, दीज आर नीदर लूजली असेंबल्ड और नॉट फ्यूज, यानी कि ये मतलब असेंबल्ड नहीं होते लूजली और ना ही फ्यूज हैं, फिर भी हम इन्हें कलेक्ट करके एक नया सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट साइंस है, बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, इसे प्लांट साइंस है। तो प्लांट साइंस एक हमने एक प्लांट साइंस को एक मतलब मेन सब्जेक्ट एक समूह के रूप में इकट्ठा करके रख दिया, और इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है ना। तो
एक तरह से हमने एक समूह में बांध दिया प्लांट साइंस को, एक मतलब एग्लोमरेशन फॉर्म में हमें हमने इसे कर दिया। और साथ में अगर हम बात करेंगे प्लांट साइंस की, तो बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारे हमारे एक मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इसके ही पार्ट्स हैं, इसके ही लूज मतलब कहीं ना कहीं इसमें ही ये यूज़ हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसका ही एक सब पार्ट है। तो इस तरह से हम एक जगह पे एक पर्टिकुलर सब टाइप ऑफ सब्जेक्ट को एक समूह में बांध देते हैं, तो वो हमारा एग्लोमरेशन कहलाता है। और रघुनाथन सर ने इसे पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन का भी नाम दिया था बाद में, ठीक है। और साथ में इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैं, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंतर्गत अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो यहाँ पे नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस, तो ये भी इसके सब पार्ट्स हैं। या फिर अगर हम सोशल साइंस कहेंगे, तो हमारे दिमाग में भी आए कि हाँ नेचुरल साइंस भी इसके अंदर आ रहा है, लाइफ साइंस भी आ रहा है। तो ये एक सोशल साइंस हमारे दोनों मतलब दोनों जो हमारे इसके सब्जेक्ट हैं उसको कहीं ना कहीं अंदर समेटे हुए हैं, या फिर उनका ही एक समूह है। तो इसीलिए हम लोग इसे एग्लोमरेशन या फिर कलेक्टेड फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और रघुनाथन सर ने इसे एक नाम दिया था पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन। तो एक समूह होता है जिसके थ्रू हम कई सारे सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं कि ये इसके अंदर हो सकते हैं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं सब्जेक्ट बंडल या फिर क्लस्टर की। तो इसमें क्या होता है कि दिस मोड ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट इज यूज टू मेक न्यू सब्जेक्ट एंड विच बिलोंग टू वन क्लस्टर। जैसे कि इसमें बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल भाषा में और सिंपल शब्दों में, तो इसमें क्या होता है, एक ही विषय के ऊपर हम मतलब सारी रिसर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडोलॉजी की बात कर रही है, की जा रही है। तो इंडोलॉजी में हम अपने उसकी शास्त्रीय संगीत हो गया, हमारा म्यूजिक हो गया, आपका फ्यूजन हो गया, वहाँ का कल्चर है, तो या फिर जो हमारे शास्त्र हैं, तो उन सब की बात की जा रही है। यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी अराउंड चीज़ें होती हैं, वो सारी उसके बारे में सारी रिसर्च या सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें मिल जाती हैं उससे रिलेटेड। तो वो हमारा सब्जेक्ट बंडल, एक सब्जेक्ट बंडल कहलाता है, ठीक है। या फिर हम एक क्लस्टर भी कह सकते हैं। क्लस्टर इसे यहाँ पे क्यों यूज़ किया, जैसे इंडोलॉजी की बात की, यहाँ पे इंडोलॉजी से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया में जो होने वाले मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर जो उसकी सभ्यताओं के बारे में हो गया, तो उन सब के बारे में अगर हम बात करें तो इंडोलॉजी में सब कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम स्पेस साइंस की बात करें, तो स्पेस में खगोलीय शास्त्र की बात हो रही है, तो उसमें जितनी भी स्पेस रिलेटेड रिसर्च हो रही है, वो सारी हमें स्पेस साइंस में मिल जाएगी। तो स्पेस साइंस के अंदर हम स्पेस रिलेटेड जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं उसको रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट बंडल कहा जाता है, या फिर हम क्लस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लस्टर एक पर्टिकुलर मतलब प्लेस, एक समूह को कहते हैं कि हाँ इस क्लस्टर का है या इस स्पेस का है। तो इसीलिए हम लोग वो क्लस्टर भी नाम दिया है। तो स्पेस साइंस में जितनी भी रिसर्चेस होंगी वो स्पेस साइंस के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार से ओशियन साइंस में भी, ओशियन से जितनी भी रिसर्चेस होंगी वो सारी हम ओशियन साइंस के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए इसे सब्जेक्ट बंडल या फिर हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट बंडल और क्लस्टरिंग के बारे में था, और ये लास्ट भी था। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आया होगा। और ये मोड ऑफ फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, और क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, जैसे कि हमने एस्ट्रोनॉमी दे दिया, और तो ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा, सब्जेक्ट बंडल या फिर आपका लेमिनेशन या फिर फ्यूज़न। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। और ज़्यादातर जो टाइप वन है आपका लूज असेंबले टाइप वन, लूज असेंबले टाइप टू, लूज असेंबले टाइप थ्री, और आपका जो फ्यूजन से सब क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।